नई जैसी लग रही है भाई। जाओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 17 और टाइम हो रहा है 3:30। तो अभी सुबह हुंडई से कॉल आया था और कह रहे थे कि सर आपकी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, आ जाओ और अपनी गाड़ी ले जाओ। तो अपने पास अभी तो गाड़ी है नहीं, या तो टैक्सी करेंगे या तो रैपिडो करेंगे। और सीन यह है कि भाई टैक्सी जल्दी से आती नहीं अंदर, तो पहले करके देखेंगे टैक्सी, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर रैपिडो तो मिल ही जाएगी यहाँ से। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं बुक करने की और ये हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ये देख रहे हो क्या लिख के आ रहा है, ऊबर से ट्राई करेंगे, ऊबर से भी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, पर्सनल ऑटो करके ही जाएंगे। यार दिमाग ख़राब हो रहा है। कौन सा शोरूम जाना है भाई? हुंडई के। हाँ उधर ही पड़ेगा, उधर से बता देना क्योंकि मैं बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो यार, मैप भी साला घुमाता रहता है भाई, कभी कभी गूगल मैप भी पागल बना देता है, मेरा तो बहुत रोना है। मैं खुद उससे बहुत बार बना, बगल में जगह है वहीं से ही जा रहा हूँ, लेकिन चार चक्कर के बाद पहुँच रहा हूँ वहाँ पर। हुंडई के शोरूम आ चुके हैं और देखते हैं अपनी गाड़ी कहाँ पर है। ये भी एक टास्क है भाई, अपनी गाड़ी ढूंढना है यहाँ पर। पहले तो पकड़ते हैं इंश्योरेंस वाले को, हमारी गाड़ी कहाँ रखी है उसने। जुकाम हो गया क्या भाई? जुकाम हो गया क्या? दवाई वाई ले आते भाई। तो भाई गाड़ी अभी फेज 2 में है और करीब 15 से 20 मिनट लगेगा गाड़ी को आने में, तो वेट कर रहे हैं अभी। और ऐसा लग रहा है जैसे नई गाड़ी लेते हैं ना तो उसकी एक एक्साइटमेंट होती है, तो बस वैसा ही लग रहा है भाई, कब नई गाड़ी आएगी और कब उसके अंदर बैठेंगे हम। ये वाली फीलिंग तो भाई जो कार लवर्स होंगे और जो कार ऑन करते हैं भाई वही बता सकते हैं कैसा। किस किस का क्लेम मिला हुआ है हमें? फेंडर फ्रंट बम्पर, लेफ्ट फेंडर, राइट डोर और राइट क्वार्टर पैनल। क्या तो दो चीज़ों का क्लेम नहीं मिला है, उसको अपन बाहर से कराएंगे। एक रियर का रनिंग बोर्ड रह गया है, उसको अपन बाहर से कराएंगे। अभी भी गाड़ी का ही वेट कर रहे हैं, देखो कितनी देर में गाड़ी आती है। नहीं, वो तो गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है और ये देखो नई जैसी लग रही है भाई। गजब, और बड़े दिनों बाद इसको चलाने का मौका मिलेगा, करीब 14-15 दिन बाद ये भाई आई है वापसी। फोन उठा दे हमारा यार। अभी कह रहे हैं वॉशिंग के लिए जाएगी और इतना टाइम है नहीं अपने पास, शाम के हो रहे 5, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई बिल हाथ में है, गाड़ी आ चुकी है और जा रहे हैं पेमेंट करने। पेमेंट हो गई है और गेट पास भी मिल चुका है अपने को और गाड़ी भाई दिलवाई दी आखिरकार। कह रहे भाई हम अपनी तरफ से आपको गाड़ी कम्प्लीट करके देंगे, तो ढूंढने को दे रखी गाड़ी, जिसमें टाइम लग रहा है कभी आधा घंटा लग जाएगा इसके अंदर। तो भाई अभी भी वेट कर रहे हैं और करीब 5:30 हो रहे हैं अभी। भाई चाय दे के जाए, अभी चाय कम पानी ज़्यादा लग रही है, पी रहे हैं भाई क्या करें। भाई अपनी पाए भाई अपनी गाड़ी, ओ ये रही भाई, होगी गाड़ी देख रहे हो भाई, गाड़ी चमका दी बिल्कुल। चलो भाई बैठते गाड़ी में। वेलकम जी, वेलकम। बताओ कहाँ चले, चले मनाली ले लो, जिंदा रहा है जाए भाई। पता नहीं पहुंचे भी ना पहुंचे, झटके कैसे ले रही है, पहली बार चल रहा, बहुत दिनों बाद चल रहे हो। पेट्रोल में तुम झटके ले रही है, क्या बात है, पानी मारा ऊपर पानी। अब पकड़ा भी लो
भाई गाड़ी मिल चुकी है फाइनली और टाइम हो रहा है 6:40। तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई इतने दिनों बाद गाड़ी में बैठने के बाद। तो भाई गाड़ी में कुछ और भी काम करवाना था मेरे को, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके इम्पैक्ट से स्पीकरों में भी कुछ हो गया था, तो सोच रहा था अगर टाइम बचता तो मोटर कॉन्सेप्ट भी दिखा देते। जो मेरी गाड़ी का सारा काम हुआ है वो मोटर कॉन्सेप्ट से ही हुआ है, जो कि गिरती है मैंने। तो भाई टाइम तो बचा नहीं, अंधेरा हो गया काफ़ी और 7 बजने को हो रहा है। तो भाई से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि भाई कर ले आना गाड़ी, अभी तो टाइम हो गया उनका बढ़ाने का, तो घर ही चलते हैं फिर, वो क्या ही कर सकते हैं। बाकी और कभी टाइम निकाल के जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि भाई वहाँ पर जाने के लिए कम से कम 5-6 घंटे तो चाहिए। अब कीर्ति नगर साइड जाने का मतलब ये है कि भाई 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, और वहाँ जो टाइम लगे वो अलग। तो चलते हैं घर की तरफ। तो भाई पहुँच चुके हैं ईसाई, और भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा साफ़ कर दी है ना अंदर से भी कि भाई हाथ चिपचिप से हो रहे हैं, इतनी पॉलिश मार दी है स्टेयरिंग पे, कहीं बताऊँ हाथ चिपचिप आ रहे हैं सारे। और भाई आपको तो बताइए शाम के टाइम इतना ट्रैफिक होता है, कहीं बताएं 7-8 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये है कि जाम मार देगा भाई सारा, क्या ही कर सकते हैं, 1 घंटा कम से कम लगेगा जाने में। एक तो वहाँ पे मेट्रो काम भी चल रहा है इस वजह से, और घर से भाई मैं 3 बजे निकला हुआ था और अभी 7 बजे निकल हो रहा है समझ लो, तो 4 घंटे के आसपास अपने को इधर ही हो गया है। भाई ने बोला था कि भाई आपकी गाड़ी आ चुकी है, 1.5 घंटे में आपको दे देंगे गाड़ी, मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए भाई मैं 3 बजे निकल गया था, मुझे लगा 4-4:30 तक घर आ जाएंगे। भाई जब मैं पहुंचा वहां पर तो भाई कह रहा अभी गाड़ी नहीं आई है वहां से, तो फेज टू से गाड़ी आई करीब 1.5 घंटे बाद गाड़ी आई वहां से, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भाई पेमेंट करी सब। तो भाई इसके बाद गाड़ी मिली, इतना 4-4.5 घंटे हो गए। और भाई ये जो लोग कमिटमेंट करते हैं ना कि भाई 1/2 घंटे में 1 घंटे में गाड़ी दे देंगे यार, तो समझो कि उसके 1.5 घंटे बाद ही गाड़ी मिलेगी आपको। भाई क्या हालत है यहाँ के ट्रैफिक की, आ जा भाई बिल्कुल गाड़ी मेरे ऊपर ले आना, दिख रहा है भाई गाड़ियाँ आ रही जब भी घुसा जा रहा है बीच में बिल्कुल ही। एक तो भाई ये सिटी के अंदर हाई बीम करके चलते हैं ना, समझ नहीं आता पता नहीं, अब मैं जब हाई बीम मार दी तो क्या भाई लोगों का, देख रहे हाई बीम अपनी। तो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि भाई पता नहीं आगे कितना जाम लगा है कितना नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते भाई सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग।